आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भाजपा से प्रलोभन पाए कांग्रेस के चार विधायकों पर बोले रामेश्वर उरांव, ना बाबा ना, इरफान अंसारी पर भी मुंह नहीं खोलेंगे। दूसरी खबर, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो 52 विधायक हमारे साथ। तीसरी खबर, झामुमो और भाजपा के बीच ट्विटर वॉर। चौथी खबर, चाईबासा बंदगांव क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक, दी धमकी, 50,000 रुपए और चावल नहीं दिए तो उड़ा देंगे। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव अब भाजपा से प्रलोभन पाए चार विधायकों के संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायकों को भाजपा द्वारा प्रलोभन दिए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें जो कहना था वह कह दिया, अब इस पर कुछ नहीं कहेंगे, इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। वहीं विधायक इरफान अंसारी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह उनकी समझ है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भावना किसी अन्य विधायकों में है। दूसरे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वही क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए छोड़ दीजिए उनकी बातों को, उनकी अपनी समझ है। बता दें कि रामेश्वर उरांव के कांग्रेसी विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के बयान के बाद इरफान अंसारी ने कहा था कि विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ऐसे में सभी विधायक शक के घेरे में आ जाते हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट है, जरूरत पड़ने पर 52 विधायक का साथ हम दिखा देंगे। कांग्रेस विधायकों के बीच मतभेद की बात पर आलम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय भी अफवाहों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को काफी कम वोट मिलेंगे, पर गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर 48 मत मिले। आज भी 48 विधायक एकजुट हैं और जरूरत पड़ी तो 2-4 और इजाफा हो सकता है। जरूरत पड़ने पर 52 विधायक भी हमारे साथ हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रवासी मजदूरों के मसले पर झामुमो और भाजपा के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर भाजपा के दो नेताओं डॉक्टर लुईस मरांडी और विधायक मनीष जायसवाल ने ट्वीट किया था। दोनों नेताओं ने अपने ट्वीट में कहा था कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को बिना किसी जांच के सरकार ने जाने दिया और अब मामला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के पास इसके रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए झामुमो के कोडरमा ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया कि लगता है झारखंड भाजपा के नेताओं की दुनिया कॉपी पेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल यही है कि क्या भाजपा के इन नेताओं को लिखना नहीं आता। दोनों नेताओं का मैसेज शेयर कर झामुमो ने कहा कि कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा है, ऐसे भाजपा नेताओं का पेट पल रहा है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में बीती रात से नक्सलियों का तांडव जारी है। बीती रात नक्सलियों ने इलाके में उत्पात मचाया। इसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर 8 बजे उग्रवादी ग्रामीण इलाके में पहुंचे और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने 3 लोगों को मारपीट कर घायल भी कर दिया, साथ ही पाइपलाइन जलापूर्ति कार्य में लगे जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हुंडा गदा गांव के राशन डीलर मनोज सारंगी ने बताया कि रात लगभग 8:30 बजे कुछ लोगों ने घर में आकर बाहर लगे दरवाजे पर काफी धक्का मुक्की की। जब दरवाजा नहीं खुला तो वे चले गए। इसी क्रम में गांव में घूम रहे विश्लेषण गोप को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया, साथ ही धमकी दी कि 50,000 रुपए एवं 50 किलो चावल देने को गांव वालों को बोल दो, नहीं तो उड़ा देंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।